हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है, आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि अभी ये जो 2022 आया है, इसमें जो पेंट का व्यापार अगर शुरू करने सोच रहे हैं जो लोग, या जो लोग अभी शुरू कर चुके हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस होने वाली हैं, या पेंट 2022 में बिजनेस शुरू करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, मैं आपको सब बताऊँगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2022 में पेंट कंपनी के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए यार, मैं क्या बोलूँ आपको, मैं बता नहीं सकता हूँ। जो रेट का इतना ज़्यादा हाइक हुआ है अभी, अगर आप 2022 में अगर पेंट शॉप अगर आप शुरू करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको दो प्रॉब्लम तो यार फेस करनी पड़ेंगी। एक तो आपको जो मटेरियल जो भी आपका आएगा वो आपकी नई पैकिंग में आएगा, आपको रेट बढ़ा हुआ मिलेगा। ऊपर से जो पुराने डीलर बैठे हुए हैं उनके पास पहले से अच्छा खासा स्टॉक है, तो वो पुराने रेट में दे देंगे। आपको आके कस्टमर भी बोलेगा कि आप कॉस्टली दे रहे हो, आप महंगा दे रहे हो, या कोई समझने को रेडी नहीं होता है। कोई कस्टमर को किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि रेट बढ़ा है क्या नहीं है, वो आप समझा समझा के पागल हो जाओगे कस्टमर को। कुछ ही लोग होंगे जो समझेंगे कि हाँ भैया रेट एक्चुअल में बढ़ा है, बाकी किसी को मतलब नहीं, उनको सस्ता चाहिए। तो भैया पुराने डीलर जो बैठे हुए हैं वो खुद ही, उनके पास पहले से इतना ज़्यादा स्टॉक है कि वो आसानी से उस रेट में दे लेंगे मटेरियल, और आपकी नई शॉप आप नहीं दे पाओगे। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपको फेस करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, आप माल होलसेलर से लें या डायरेक्ट डीलरशिप लें, भाई अगर आप नई शॉप खोल रहे हो तो आपको एकदम से डीलरशिप नहीं मिलेगी। कुछ कंपनियां हैं जो आपको डायरेक्ट डीलरशिप दे देंगी, बट जैसे कि एशियन पेंट हो गया, और बताया जो भी है, नैरोलैक, बर्जर, बड़ी कंपनियां हैं, जल्दी आपको डीलरशिप नहीं देंगी नई शॉप में, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप किसी अच्छे होलसेलर से मटेरियल परचेज करके अपनी शॉप को शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, या मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे पेंट शॉप पे तो 3 से 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तो मिनिमम होने ही चाहिए, जिसमें आपके पास पुट्टी, POP, वाइट सीमेंट, और जो भी पेंट की इंक्लूड मशीन वगैरह, आपको सब कुछ 5 लाख के अंदर अंदर में मिल जाएगा। उसके बाद जब आप शॉप शुरू करोगे तो फिर आपको पता लग जाएगा कि आपके एरिया में आपके कस्टमर की डिमांड क्या है, वो किस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा डिमांड करता है, आप वही प्रोडक्ट अपने उस शॉप में वो प्रोडक्ट रखिए। दूसरी बात है किस कंपनी के साथ काम करें स्टार्टिंग में। मैं अगर आप बिल्कुल नए हैं, आप दुकान शुरू करने की सोच रहे हैं, तो भाई स्टार्टिंग आप सिर्फ और सिर्फ एशियन पेंट से करें। कोई आपको कुछ भी बोले, आप बिल्कुल भी किसी की बात ना माने, आप सिर्फ और सिर्फ एशियन पेंट के साथ काम करें तो ही आपका कस्टमर आएगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और एशियन पेंट तो आपको रखना ही रखना है, उसके बाद धीरे धीरे आप यार खुद ही समझ जाओगे पेंट लाइन में, आपको डीलरशिप के लिए ऑफर आने लगेंगे कंपनी तरफ से। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।